श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए आप सब समाज का एक स्तंभ है, एक आधार है। तो आप चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, आप सभी का ये विशेष सहयोग होना चाहिए। वो केवल अपने परिवार के प्रति ही नहीं, अपने प्रति नहीं, परिवार के प्रति नहीं, अपने समाज के, इस ग्राम से भी बाहर, इस देश से भी बाहर आप एक ऐसी मूर्ति बने, ऐसी एक अभिवृत्ति प्रकट करें, एक ऐसा संदेश सबको दे जिसे केवल आपको जीते जी ही नहीं मरने के बाद भी समझा सके और समाज के लिए कुछ करना। देखे अपने लिए तो हर कोई करता है, हम हमेशा अपने लिए तो जीते आए, लेकिन कभी दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों के सुख में जाना, दुख में जाना, उसके लिए कुछ समर्पित करना, तब समाज आपको याद रखता है। नहीं तो आए, मृत्यु हुई और गए। आज याद किया है, 13 दिन तक याद किया है, फिर भूल गए। लेकिन जब कोई अच्छा कार्य आप करते हैं तो समाज आपको हमेशा याद रखता है। आप हमेशा याद रहेंगे, उनकी स्मृतियों में रहेंगे, उनके मन में रहेंगे। तो आप सभी से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि जो भी इस समाज के लिए अच्छे कार्य करता है, पुण्य करता है, दान देता है, तो आप उनके थोड़े से अगर गुण को भी अपने अंदर ढालें, उस गुण को आप अपना लें। हम बुराई को जल्दी सीखते हैं और अच्छाई को छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपना स्वभाव ऐसा बनाइए, अपना व्यवहार ऐसा बनाइए कि बुराई आपसे कोसों दूर छूटती चली जाए और अच्छाई आपसे कभी दूर ना हो। तो भागवत करने का सही मायने में और श्रवण करने का सही मायने में यही उचित है। तो इन 7 दिनों में अगर ज्यादा नहीं तो एक छोटी बात भी अगर मेरी कहीं लग जाए आपको, भगवान ने कहा कि माखन चोरी अब घर में तो कर ली, अब हम माखन चोरी करेंगे पड़ोसियों के घर, यानी गोपियों के घर। और गोपियां, जब कभी गोपियां शब्द प्रयोग किया जाता है भगवान की लीलाओं में, तो आप कभी कांग्रेस के खेल प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश पहलवान पुरखासिया ने कहा कि धर्म की चर्चा इंसान को सद्बुद्धि देती है। मातृशक्ति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जहां माताएं ज्ञान की देवी हैं, वही अपनी संतानों को सुसंस्कारवान बनाती हैं। राजेश पुरखासिया का पंडित योगेंद्र भारद्वाज ने स्वागत किया। यहाँ इनके भूदेव शास्त्री पंडित आलोक, पूर्व प्रधान भाना राम, बलराम नंबरदार आदि उपस्थित रहे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर आए उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए हमारी वेबसाइट SSGJDNews.com पर लॉगिन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।